वही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि नू सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहीं अगर हम बात करें कालावंती सीट की तो यहां पे कांग्रेस ने जीता है और पंचकूला में भी कांग्रेस की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं हरियाणा से, जहां पे पंचकूला में भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं हम बात करें अगर जुलाना सीट से तो वहां पे रेसलर विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से, जहां कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाल ने वाला ने जीत दर्ज की है। वहीं लाड़वा सीट से अगर हम बात करें तो वहां एक हॉट सीट थी, जहां से नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि जींद सीट से भी बीजेपी के कृष्णलाल मिड्डा ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं हरियाणा से, जहां पे हांसी सीट से बीजेपी के विनोद भयाना ने जीत हासिल की है। बता दें कि हरियाणा के चुनाव नतीजे आने शुरू हो गए हैं। वहीं खरौदा की अगर हम बात करें, वहीं हम अगर खरखौदा सीट की बात करें तो वहां पे पवन खरखौदा जीते हैं। वहीं पिहोवा सीट के कांग्रेस के मनदीप चाहता ने जीत हासिल की है। होडल से अगर हम बात करें तो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। होडल से बीजेपी के हरिंदर सिंह ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं अगर नारायणगढ़ से हम बात करें तो वहां पे कांग्रेस की शैली चौधरी ने जीत दर्ज की है। शैली चौधरी वहां पे जीत हासिल की है। और शाहबाद सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के रामकरण चुनाव जीते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे हरियाणा के चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए। फिरोजपुर से कांग्रेस की मामन खान ने जीत दर्ज की है। भिवानी सीट से बीजेपी के घनश्याम सर्राफ जीते हैं। और बल्लभगढ़ सीट की हम बात करें तो बीजेपी के मुकुल चंद शर्मा ने जीत दर्ज की। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दे रहे हैं।